हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, जिसका कि हमने एक और पार्ट बनाया हुआ है, पार्ट वन, जिसमें कि हमने बताया है कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। उसमें हमने कुछ बताया है किस तरह से कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। इसमें भी हम आपको बताएंगे कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो के थ्रू आप अच्छे से समझ सकेंगे कि आप कंप्यूटर कैसे चला सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। हम ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे फ्यूचर में भी, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अभी तक आपने कंप्यूटर कैसे चलाते हैं पार्ट वन को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाकर आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये सारे जो होते हैं, ये जो शॉर्टकट आइकन्स होते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम यूज करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को, तो उनका ज्यादा यूज करना होता है, जिसे हमें उनको हम स्क्रीन पे रख लेते हैं शॉर्टकट बना के, जिसको जल्दी से एक्सेस कर पाएं और जब जरूरत पड़े तब हम इसको यूज कर पाएं। तो ये जो हमारे होते हैं, ये एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स होते हैं फ्रेंड, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये नीचे जो हमारे होते हैं टास्क बार होते हैं, जिनको कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अच्छे से उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और यहाँ हमारा स्टार्ट बटन होता है, जिसमें कि हम किसी भी प्रोग्राम को अपने ढूंढने में ये हमारा बहुत मदद करता है। यहाँ पे अपने कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम को हम ढूंढ सकते हैं। आज कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे जो कि बहुत आसान है, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर यूजर को भी नहीं पता होगा अच्छे से कि इसमें होता क्या है, बस लोग यूज करते हैं। तो आप अपने माउस से राइट बटन दबाएंगे फ्रेंड्स, राइट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, जैसे हम दिखा दे रहे हैं, राइट बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट खुल के आएगा, एक छोटा सा, जिसमें कि आप बहुत कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे है फ्रेंड्स AMD क्रिस्टल कंट्रोल सेंटर। ये जो भी हमारा प्रोसेसर है उसको एक्सेस करने के लिए या फिर उसके डिटेल को जानने के लिए यहाँ पे ये पहले नंबर पे दिया हुआ है। सेकेंड नंबर पे ये हमारा होता है व्यू, जिसको कि आप देख के अच्छे से समझ पाएंगे। ये व्यू जो होता है फ्रेंड्स हमारा पहले से सिलेक्ट है मीडियम आइकन पे, यानी कि ये जो हमारा शॉर्टकट का व्यू है, जो जैसे दिख रहा है, व्यू से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लार्ज आइकन दिया हुआ है, यहाँ पे मीडियम आइकन दिया हुआ है, हर्ड में स्मॉल आइकन्स दिया हुआ है, ऑटो अरेंज आइकन दिया हुआ है। तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स करके हम इसको अलग अलग रूप में देख सकते हैं अपने शॉर्टकट को। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लार्ज आइकन पे क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे हमारे जो भी एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स हैं इस तरह से इस रूप में बदल गए, जो कि बहुत लार्ज हो गए हैं। तो इस तरह से इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। तो फिर से आप इसको चेंज करना हो तो राइट क्लिक दबाएंगे अपने माउस से, यहाँ पे आपके सामने जो आएगा यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। अब इसको अगर स्मॉल करना हो, बहुत ही स्मॉल, तो इस पे क्लिक कर लेंगे स्मॉल वाले पे। तो हम स्मॉल वाले पे क्लिक कर दे रहे हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पे स्मॉल पे क्लिक किए तो ये पहले वाले से भी छोटे हो गए जो हमारे शॉर्टकट्स हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे इनको सजा के रख सकते हैं हम। इनको अगर फिर से चेंज करना है तो राइट क्लिक कीजिए अपने माउस से, व्यू पे जाइए, मीडियम आइकन जो था उस पे कर सकते हैं, या फिर ऑटो अरेंज आइकन पे कर सकते हैं, या फिर ऑटो अरेंज आइकन पे कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो इस पे क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स, इनके शॉर्टकट्स जो हैं ये इधर उधर हुए हैं। फिर से हम इनको व्यू पे क्लिक करेंगे, ऑटो अरेंज को हटा देंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, ऑटो अरेंज देखिए यहाँ पे हट चुका है। अगला है हमारा शो डेस्कटॉप आइकन, यानी कि इस पे हमने क्लिक किया हुआ है, यानी कि ये डेस्कटॉप पे जो भी आइकन्स हैं वो दिख रहे हैं। अगर इसको हम अनटिक कर देंगे तो ये सारे गायब हो जाएंगे, यानी हमको दिखेंगे नहीं, हाइड हो जाएंगे। तो इस पे हम क्लिक करके दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये सारे हाइड हो जाएंगे, ऐसे देखिए हम क्लिक किए ये सारे हाइड हो गए और हमको ये दिख नहीं रहे हैं कहाँ हम इनको ढूंढे। तो यहाँ पे अगर हम इसके बाद भी एक्सेस करना चाहते हैं तो अपने पूरे कंप्यूटर के स्क्रीन को साफ रख सकते हैं, क्लियर रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। और हमको अगर कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर एक्सेस करना है, उसको रन कराना है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आइएगा और यहाँ पे जो भी आपको ढूंढना है, जो भी खोलना है, यहाँ पे आके आप ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब आपको जो भी एप्लीकेशन यूज करना है यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं आपके स्क्रीन पे जो भी आपका एप्लीकेशन था, तो यहाँ पे आप फिर से राइट क्लिक कीजिए अपने माउस से, सब कुछ कट करके राइट क्लिक करेंगे, फिर व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे जो हमारा था शो डेस्कटॉप आइकन्स, इस पे हम फिर से क्लिक करेंगे तो जो भी डेस्कटॉप के आइकन थे, कंप्यूटर स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं, तो डेस्कटॉप पे जो भी आइकन्स थे वो फिर दिखने लगेंगे। तो इस पे हम क्लिक कर दे रहे हैं फ्रेंड, अब देखिए आपके सामने वो खुल के आ गया है। फिर से हम इसको चेंज करेंगे, जो कि बहुत छोटा कर दिया था हमने, इसको मीडियम में करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से, फिर व्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे मीडियम पे क्लिक कर देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा जिस तरह से पहले था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये चीज आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस तरह के शॉर्टकट्स जो भी हम यूज करना चाहते हैं रिसेंटली, जो भी हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है, हम उनको स्क्रीन पे रखते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे और किसी सॉफ्टवेयर को स्क्रीन पे रखना, तो आप कैसे रखेंगे उसको स्क्रीन पे,
तो आप यहाँ पे सिंपल सा स्टार्ट बटन पे जाइए, क्लिक कीजिए इस पे, और मान लीजिए यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को आप अपने स्क्रीन पे ले जाना चाहते हैं तो आप अपने माउस से इसको प्रेस करके दो बार क्लिक करके और इसको स्लाइड करके इधर बाहर की तरफ ले जा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं आपको, और बाहर की तरफ ले जाके अपने माउस को छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आ जाता है। अब आप इसको अगर चाहें कि यहाँ पे आप इन सब के बीच में, इन सब के पास में इसको लगा लें, तो आप इस पे माउस से एक बार क्लिक करेंगे, माउस को प्रेस करके इधर ड्रैग करेंगे, जैसे ही ड्रैग करेंगे ये धीरे धीरे अपनी तरफ जिधर आप चाहेंगे, जिस तरफ अपने माउस को ले जाएंगे वो उधर जाके सेट हो जाएगा। तो हम इसको फ्रेंड्स यहाँ पे कर देते हैं, तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बता देते हैं आपको कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी फाइल हो, उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो उस पर आप सिंपली अपने इस कर्सर को, जो ये तीर सा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसे हम कर्सर कहते हैं, अपने कर्सर को ले जाएंगे, उसके बाद से अपने माउस से डबल क्लिक कर देंगे, दो बार क्लिक करेंगे तो ये खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे फाइल्स हमारे रखे हुए हैं ये खुल के हमारे सामने आ गए। फिर यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, जो भी आपको फाइल खोलना होगा, ओपन करना होगा, डबल क्लिक इस पे करेंगे जैसे ही, तो ये खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे जान लेते हैं और भी कुछ बेसिक चीजों के बारे में। फिर से आप राइट क्लिक करिए, तो इसमें हमने व्यू जान लिया है, उसके बाद आप सॉर्ट बाय जानेंगे किस तरह से क्या होता है। तो यहाँ पे सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो जो भी ये हमारे जो शॉर्टकट आइकन्स हैं वो जिस तरह के सॉर्ट बाय में क्लिक करेंगे उस तरह में चेंज हो जाएंगे। इस पे हम नेम पे क्लिक करेंगे तो ये अपने कैरेक्टर के थ्रू, नेम के थ्रू इसमें चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम नेम पे क्लिक करते हैं तो ये फिर से इस तरह से बदल गए। फिर राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय पे जाएंगे, फिर साइज के अगर थ्रू इसको करना चाहते हैं तो साइज पे क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे बदल के आ गया हमारे सामने। फिर इसको अगर चेंज करना है तो फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर इसको सॉर्ट बाय पे करना होगा, उसके वजह से आइटम टाइप्स पे करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देंगे तो भी ये चेंजेस हो जाएंगे। और फिर से इसको बदलना है तो फिर से राइट क्लिक करके डेट मॉडिफाइड पे क्लिक करेंगे तो वो फिर से मॉडिफाई हो जाएंगे, दूसरी तरह से हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से इनमें चेंजेस आ गए हैं। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो थर्ड नंबर पे आता है रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं जिसमें कि ज्यादा लोड रहता है यूज करते समय और थोड़ा कंप्यूटर हमारा स्लो काम करता है, तो हम रिफ्रेश पे अगर क्लिक कर देते हैं तो उनके जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा जल्दी रन करने लगते हैं, उनको थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है जिससे कि वो अच्छे से रन कर पाते हैं। तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारे आइकन्स अपने आप कुछ मिनी सेकेंड के लिए हाइड हो जाएंगे, फिर सामने आ जाएंगे, उस तरह से सारे सॉफ्टवेयर रिफ्रेश हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए फ्रेंड्स जैसे ही हमने क्लिक किया ये हाइड होके फिर से हमारे सामने आ गए। फिर हम राइट क्लिक करेंगे और आगे के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हमारे सामने दिख रहा है न्यू, न्यू का मतलब कि अगर कोई हमें न्यू फोल्डर बनाना है अपने स्क्रीन पे तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्लाइड करेंगे आसानी से, तो यहाँ पे आप जान लेंगे कि न्यू फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो इस फोल्डर पे बस क्लिक कर देंगे आप, जैसे ही फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक फोल्डर बन के आ गया है जिसका कि अभी नाम है न्यू फोल्डर, और ये ब्लू में सेलेक्ट दिख रहा है आपको, यानी कि अब भी अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, बैक स्पेस से इसको हटा के न्यू फोल्डर नाम हटा के इसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं करना चाहते इसमें चेंजेस तो आप इसके बाहर कंप्यूटर पे स्क्रीन पे यहाँ पे भी, मान लीजिए यहाँ पे भी एक बार क्लिक करेंगे अपने माउस से तो ये न्यू फोल्डर के नाम से ही सेव हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करके दिखा देते हैं, जैसे ही हमने क्लिक किया देखिए यहाँ पे सेट हो चुका है। अब इसको हम अपने माउस से क्लिक करके उसके वजह से इसको जहां मन करे वहां ड्रैग करके रख सकते हैं, यहाँ पे चाहे कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको। अगर फिर भी हमें इसका नाम चेंज करना है फ्रेंड तो आप इस पे क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे बस एक बार, उसके बाद अपने माउस से राइट क्लिक दबाएंगे, राइट क्लिक दबाएंगे तो आपके सामने ऐसे ऑप्शंस खुल के आएंगे। तो आप सिंपली नीचे की तरफ जाइएगा, ड्रैग करते करते जाइएगा तो यहाँ पे आपके सामने दिखेगा रीनेम, रीनेम का ऑप्शन, यानी कि इसको आप रीनेम कर सकते हैं, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे रीनेम करने के लिए पूछ रहा है तो इसको आप बैक स्पेस से कट कर दीजिएगा अपने कीबोर्ड से, तो हम बैक स्पेस से इसको कट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे जो भी हमें नाम रखना है इस फोल्डर का, मान लीजिए नाम रखना है राम, तो यहाँ पे आप लिख देंगे RAM, राम लिख के आप यहाँ पे बाहर की तरफ कहीं भी एक बार माउस को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये राम नाम से सेव हो जाएगा फोल्डर। अब इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स इसमें से कुछ भी आपका डिलीट हो गया, मान लीजिए ये फोल्डर ही है, अगर आपका डिलीट हो जा रहा है किसी कंप्यूटर से कोई भी डाटा, कोई मूवी हो, कोई सॉन्ग हो, तो अगर आपका डिलीट हो गया तो उसको आप कैसे फिर से पा सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी चीज है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट हो, कोई रिजल्ट हो, या फिर किसी भी तरह का आपका जो भी कुछ हो, फाइल हो, जो कि आपको बहुत जरूरत पड़ती है उसकी, वो अगर डिलीट हो जाए आपके कंप्यूटर से तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे। तो मान लीजिए इसको हम डिलीट करके दिखा देते हैं, यहाँ पे डिलीट करने के लिए इस पे आप क्लिक करेंगे
और अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिलीट हो गया है। तो आप इसको अगर फिर से पाना चाहते हैं, कोई भी फाइल हो आपका वो डिलीट हो जाता है तो उसको फिर से पाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर में जो कि ये है रिसाइकल बिन। इसको हम ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके, जो भी डाटा डिलीट होता है हमारे कंप्यूटर से वो रिसाइकल बिन में आ जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए जो आपका फोल्डर था राम नाम का यहाँ पे आ चुका है। और इसको अगर आप फिर से आप चाहते हैं कि जहां पे ये था वहां पे चला जाए, ये डिलीट ना हो, तो इसको आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा इस पे और अपने माउस से राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिस्टोर का ऑप्शन। अगर फिर से यहाँ पे डिलीट कर दिए तो ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाएगा। और प्रॉपर्टी पे इसको क्लिक करके जान सकते हैं कि इसमें कितने डाटा है, क्या क्या है। तो ये 0 bytes का है फोल्डर जिसमें कि कुछ भी नहीं है। तो अब फिर से राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो रिस्टोर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो जहां से ये फाइल डिलीट हुआ है या फिर फोल्डर डिलीट हुआ है ये वहां पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, यहाँ से खाली हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक कर देते हैं। रिस्टोर पे क्लिक करते ही वो अपने आप यहाँ से चला गया जहां से वो डिलीट हुआ था। तो यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं फ्रेंड्स। आप देखते हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे वो आ चुका है कि नहीं, तो यहाँ पे आप कट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे ये राम नाम का फोल्डर आ चुका है जिसको आप ओपन करके देख सकते हैं। हमने न्यू फोल्डर बनाया था जिसमें कुछ नहीं था। अगर न्यू फोल्डर के अंदर भी आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है तो इसको ओपन करने के बाद, जैसे हम ओपन किए हैं, ओपन करने के बाद फिर इसमें माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिखेगा नीचे की तरफ, न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो फिर यहाँ पे आपका न्यू फोल्डर हो जाएगा। तो इसको बाहर की तरफ आप क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर के नाम से सेट हो जाएगा। फिर से इसका नाम चेंज करना चाहते हैं आप तो इस पे क्लिक करके राइट क्लिक कीजिएगा अपने माउस से और यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इसका जो भी नाम रखना चाहते हैं SHAYAM श्याम मान लीजिए इसका नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर दीजिएगा, ये नाम इसका सेट हो जाएगा। अब इसको कट कर देते हैं फ्रेंड्स और इसको हम डिलीट कर देते हैं फोल्डर को, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है। फिर से अगर हमको चाहिए तो ये हमें रिसाइकल बिन में यहाँ पे मतलब इसको ओपन करके हम इसको पा लेंगे, एक्सेस कर पाएंगे। फिर हम राइट क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। अब आगे के ऑप्शन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे अब ऑप्शन दिखा रहा है आपको अंडो डिलीट। तो अगर कोई भी चीज आपका तुरंत डिलीट हो गया है उसको अगर फिर से पाना चाहते हैं आप तो कंप्यूटर से आप अपने राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे अंडो डिलीट है इसको दबा देंगे या फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड इसको भी प्रेस करेंगे तो आपका वो सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अंडो पे क्लिक कर दे रहे हैं, अंडो डिलीट। तो देखिए यहाँ पे हमारा फोल्डर आ चुका है, इसके अंदर भी एक फोल्डर है श्याम नाम का, इसको ओपन करके हम दिखा दे रहे हैं, ये भी आ चुका है। फिर इसको कट कर देते हैं, फिर से एक बार डिलीट कर देते हैं और राइट क्लिक करके डिलीट पे ओपन, डिलीट पे ओके कर दिए हम। और फिर से अगर हम चाहते हैं कि हम एक कीबोर्ड के थ्रू इसको मंगाना चाहते हैं तुरंत आ जाइए तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिएगा कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड दबाने से जो भी हमारा डाटा डिलीट हुआ होता है वो तुरंत आ जाता है। कंट्रोल जेड हम यहाँ पे प्रेस कर दिए, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम और भी कुछ बताएंगे आपको जो कि बहुत आसानी से हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। तो आप इसको अच्छे से अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं और हम आपको ऐसे ही अच्छे ट्रिक्स बताते रहेंगे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए और अच्छे से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे हमारे वीडियोस को देख के। और अगर आप अच्छे से कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस पर हम जो भी वीडियो डालेंगे अपने चैनल पे वो आप तक पहुंच पाएगा आसानी से। और हम अपने चैनल कंप्यूटर एग्जाम पे SSSC का पूरा कोर्स करा रहे हैं आपको, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियोस को देख के आप SSSC का पूरा कोर्स भी कर सकते हैं आप यहाँ से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।